नेता भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने एकता भारत न्यूज चैनल के माध्यम से कहा कि सरकार को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को खत्म करना है तो पूज्य संत संत राम रहीम जी को रिहा करना होगा। आइए दिखाते हैं आपको एकता भारत न्यूज चैनल के माध्यम से पंडित राजेश शर्मा का वीडियो संदेश। जन अधिकार मोर्चा के द्वारा जो संतराम रहीम जी की रिहाई को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा था वह क्यों रोक दिया गया? देखिए, जन अधिकार मोर्चा के द्वारा पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन होने जा रहा था और 27 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक संत सम्मेलन का आयोजन कर जिसका संघनाद जन अधिकार मोर्चा करना था, परंतु 27 नवंबर को जो आंदोलन की हमारी तैयारी थी, संत सम्मेलन की तैयारी थी, उससे पूर्व एक किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ जिसके कारण दिल्ली के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, जिसकी वजह से हमें वह संत सम्मेलन भी रोकना पड़ा और उसके कुछ समय बचा थी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण और कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम लोग मैं समय नहीं दे पाया। और अभी जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है इसको देखते हुए कोई बड़े आयोजन हम लोग अभी नहीं कर सकते, परंतु ऐसा नहीं है कि जन अधिकार मोर्चा ने जो संकल्प लिया है संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर जो संतों के नेतृत्व में हम लोगों ने योजना बनाई थी आंदोलन की वह आंदोलन होगा और संत राम रहीम जी की रिहाई के लिए हम लोग पूरा योजनाबद्ध तरीके से एक आंदोलन करेंगे। सर, आज देश के अंदर जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैल रही है उससे देश को कैसे मुक्ति मिलेगी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश के अंदर जो आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैल रही है और पिछले एक वर्ष से देश की पूरी जनता त्राही त्राही पूरे देश के अंदर मची हुई है, आज सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो हमारे संत आज जेल में हैं, संत राम रहीम जेल में हैं, संत राम रहीम और उनके करोड़ों भक्त इस वैश्विक कोरोना वैश्विक महामारी को देश से खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खात्मे के लिए संत राम रहीम जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और संत राम रहीम जी का और उनके करोड़ों भक्तों का इसमें विशेष योगदान, एक मार्गदर्शन इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को खत्म करने के लिए लिया जाए जिससे कि यह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे देश से खत्म की जा सके।